हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह से तो टाइम नहीं लगा क्योंकि सफाई करने में बिजी थे और अंजू भी जाने वाली है आज अभी, और उसके लिए कलियो बना रहे थे हम सुबह से, तो टाइम नहीं लगा। और मेरी भी हालत ख़राब हो रखी है, देख सकते हैं आप, पूरा फेस पर ये देखिए एलर्जी हो रखी है घास काट के। तो यहाँ पर अंजू चाय बना रही है, जाने वाली है आज, टाइम ही नहीं लग पाया वीडियो बनाने का। और हालत भी थोड़ा डाउन हो रखी थी क्योंकि लगातार खेतों में ही थे, पूरे मुंह पे एलर्जी होगी मुझे। क्या लो यार, पता नहीं क्या, मतलब वो एक घास होता ना वो फैल गया इस पर, हो जाएगा ठीक है सर। तो यहाँ पर खुद ही बना रही चाय, जाने की तैयारी। पहले मैं बनाने नहीं वाली थी वीडियो, पर मैंने सोचा बना रही थी क्योंकि मैं उसके आने की वीडियो बनाती हूँ हमेशा, लेकिन जाने की वीडियो नहीं बनाती क्योंकि आने की खुशी होती है ना, जाने का दुख होता है। आपको क्या काम रास्ता, शॉर्ट वीडियो बनाने वाली थी पहले मैं, कि मैंने कहा शॉर्ट वीडियो में ही मतलब दिखा दूँगी कि अंजू चली गई, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में क्या ही? अच्छा आपको क्या बेटा काम, राम लम है यार पक्का है ठीक है। घास काट के गई, हालत खराब है पर हम दे गए ठीक है। तो जी जो आ रखे लेने अंजू को, हम भी जाएंगे आधे रास्ते तक। गर्म हुई ना थोड़ा और रख दे, तुम पीस लिए था आपको पैक की जा रही है। में गांव का माहौल ऐसा लग रहा है ना, सुनसान, सब लोग खेतों में बिजी है ना, काम कर रहे हैं लोग हैं, हमें जाने ज्यादा लगा ना, हाँ तब ज्यादा हम घर ज्यादा लगा ही नकत। तो भी चल चलते, ज़्यादा लग रहा था यार, तो मैंने परम तक आना चाहते, परम तक आना चाहते हम। चुप चुप यार, चुप चुप। बकरा नहीं जाऊ ला, बकरा ब्याह की आज भी आए आए थे आदित्य, चला 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 तालम तक। अरे नहीं, ये तो कबारी ले जा, ये तो ले जा, हाँ बूढ़ी हुई हुई छोटी यार, कत बजे हूँ तुम्हें छोटे, 3:45
अच्छा मौसम मस्त हो रखा, अभी ठंडा भी लग रहा है गांव में, अब ठंडा लगने लग गया बहुत। दो दो रजाई ले रहे हम, भेंडोला की भेंडोला जैसे कि बने सी इसका वीडियो बने तब नहीं पकड़ना चाहो मोगली बहुत तेज। ये बप्पा क्यों सही संस्कारी भाई है हमारा, भाई अम्मी मिला पीयूष पहले घर को नहा ले हुए शाम को नहीं मोगली नहीं तो बिल्ली जा चल चल ठीक पीयूष है आन तू भी खुद लगनी मैं तेरी तेरे पर चेक कर बेकार लगन सुनसान लगन के घर चलने तुम तो नखुर लगन में बहुत बेकार लगन तेरी गाय को संध्या तब तो भी गई। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੂਟ ਲਈ ਨਤੀ ਬਾਣੀ ਚਾ ਘਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪਨ ਤੇ ਭਾਈ ਘਾਲ ਪੌੜੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਚਲ ਠੀਕ ਜਾ ਜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਦਾ ਚਲ ਜਾ ਜਾ ਤੋ ਅੰਜੂ ਲੋਗ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ ਆ ਰਖੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਗੋੜ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੇ ਮਿਰਚ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਲਾਲ ਹੋ ਰਖੀ ਮਿਰਚ ਪੂਰੀ ਮੰਮੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਡਾਲੇਗੀ प्याज में पानी डालना है ना प्याज के बीजों में तो यहाँ से पाइप लगा रही हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगने लग गया है, रात भी होने वाली है। यहाँ पर मम्मी ने लहसुन लगा रखी है इसमें पानी डाल रखा है, बाकी ये देखिए इसमें ये जो प्याज के बीज लगा रखे ना इसमें भी पानी डाल दिया, उसको ढका दिया। बाकी मिर्च निकाल दी मैंने, इसमें से मिर्च निकाल दी, टाइम ही नहीं लगा, अब रात हो गई ना तो इसमें से भी निकालनी थी कुछ। इसमें भी लगी है लाल मिर्च, फिर कभी आएंगे तब निकालेंगे ना, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, देखो सुनसान हो गया इधर, सन्नाटे पर जाता है सोने के टाइम पर। यहाँ पर मुझे ये बच्चे मिल गए हमारे गांव के हैं सारे, कहाँ गया रहे तुम कबड्डी डाले क्या मैच आई कबड्डी आई, अरे वाह जीत गया, अरे वाह अच्छा जी दे तुम ये मॉडल के काम क्या मॉडल के कबड्डी में वेरी गुड वेरी गुड। इसका नाम आरुष है, आरुष अभी 6 क्लास में पढ़ता है, लेकिन इसका वेट कितना है पता है, कितना वेट है इसका पता, वेट तेरा आरुष तेरे 20 आई 58 किलो पता है 58 किलो ये मोटा हमारे रामलीला में क्या के बड़ ये के बड़ ना हनुमान 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 है ये हनुमान है ये हनुमान मैं अभी जा रही हूँ घर से बाहर में। देखिए दोस्तों अंजू के जो अंजू के लिए हमने जो कलयुग बनाया था ना तो उसमें कुछ अरसे बच गए थे तो पापा ने कहा कि पूरे घर में मर जाओ तो लास्ट घर है प्रीति लोगों का तो उन्हीं को देखकर आ रही हूँ मैं घर से। हाँ प्रीति दोनों माँ बेटी यहाँ पर बैठी है ले आओ ना अब यहाँ से पोंगल बढ़ेगी ये कैर मांगना है आजकल घास काट के सभी की हालत खराब हुई। तो दोस्तों अभी रात के 8:30 वाला टाइम और आज तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करा, अभी हमने खाना भी कितने बजे खाया था 3 बजे खाया था मैंने,
तो अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, दूध पियूँ के सो जाऊँगी। और अंजू लोग भी पहुँच गए थे, नेक्स्ट टाइम क्या पता रामलीला में आएगी। और ये देखिए मेरे फेस पे ये पूरा हो रखा है जो दाने दाने होने, ये लोग कह रहे हैं कि मतलब एक घास टाइप की होती है ना खेतों में, तो वो फैल गया इसमें, मतलब उसका विष होता है वो, मतलब चेहरे पे लगा होगा घास काटते टाइम, तो वो फैल गया। और दादी तो बोल रही कि गर्म घी करके लगाओ। अगर आप किसी को इसका इलाज पता है, घरेलू नुस्खा घरेलू इलाज पता है तो मुझे बताना कि क्या लगाना है इस पर। खुजली हो रही बहुत तेज। फिलहाल तो अभी उदास उदास सा लग रहा है क्योंकि दादी लोग भी नहीं हैं, मैं मम्मी पापा और संजू है घर पे, तो पूरा घर ऐसा लग रहा है खाली खाली टाइप का। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।